बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं गाइस, लास्ट टाइम हम गए थे जब अनारकली बाज़ार, तो ज़्यादा शॉर्ट्स आपके साथ शेयर नहीं करने हुए क्योंकि उस टाइम मेरे साथ फैमिली थी, तो ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। लेकिन आज मामू आए हुए थे, वो मीरपुर वाले हमज़ा, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने व्लॉग वगैरह बनाना है तो झेलम चलते हैं। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो आज व्लॉग वगैरह झेलम का बनाते हैं। तो गाइस आज हम आपको लेके जाएंगे झेलम, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे उधर का व्यू वगैरह, उधर के सारे ब्रांड्स दिखाएंगे और स्ट्रीट फूड दिखाएंगे, और उधर सबसे फेमस चीज़ें खाने वाली क्या हैं। उसके बाद जो शानदार चौक है, बहुत मशहूर चौक है, उसकी भी आपको शॉर्ट्स वगैरह शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हमजा मामू बैठ गए हैं, वो आते हैं तो बस हम निकलने लगे घर से, तो आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं नेक्स्ट अभी बाजार जाके। तो आपको ब्रांड्स की शॉप्स भी आज दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारे साथ आज छोटा सा बेबी है हमारा, बहुत प्यारा, मेरा कजन है, तो आपको मिलवाता हूँ उससे। हेलो गाइस, क्या हाल है? बान बोलो कि हेलो गाइस, क्या हाल है? बोलो क्या हाल है? बोलो क्या हाल है? टीटो। तो गाइस जैसे कि आप देखते हैं, देख सकते हैं कि हमारे साथ बड़ा क्यूट सा बेबी है, और इसके बोलने का माशाल्लाह अंदाज भी बहुत क्यूट है। तो बरहान बब्बी करना मुझे, बोलो लव यू गाइस। गाइस भी बोलो ना। सब हम रेडी हो गए हैं, निकलने लगे हैं घर से। ये मामू है हमारे साथ, तो बस अभी निकलते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ते का व्यू। तो चलिए गाइस, अभी हम आते रास्ते में पहुंच आए हैं, आगे ट्रैफिक पुलिस वालों का भी थोड़ा इशू है कि वो पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट के बगैर हो ना तो वो पकड़ लेते हैं। तो बस अभी हम हेलमेट वगैरह पहनने लगे हैं, आगे तक निकलते हैं, फिर आगे आपको दरिया झेलम का भी व्यू दिखाएंगे, फिर बाजार चलते हैं, बाजार भी आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम जो है ना झेलम पुल पे पहुंच जाए हैं, जिसको पुराने पुल के नाम से जाना चाहता है, देख सकते हैं आप। आपको भी व्यू दिखाते हैं, इधर का ये दरिया है और वो सामने रिवर साइड होटल है जिधर हम गए थे, और ये देखिए नीचे बोट चल रही है गाइस, एकदम मस्त मज़ा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम बस निकलने लगे इधर से, आगे चलते हैं, आपको झेलम का बाज़ार दिखाते हैं आप, चलें। A few minutes later, मैं एंटर होते साथ ही जीटी रोड से आए, तो सबसे पहले तो ये एरोप्लेन आता है, जो कि आई थिंक जो है ना आज से काफ़ी साल पहले किसी जंग में जो है ना किसी ने मतलब इंडिया वालों से शायद ये गनीमत के तौर पे मिला था। ये अभी इधर ही है काफ़ी साल से, जब हम छोटे थे तब के हम इधर आते हैं, हम देख रहे हैं। तो अभी आगे बाजार है, तो फिर हम आगे चलते हैं, आगे जाके फिर गाइस आपको सारा व्यू दिखाते हैं। अभी जो मैंने आपको शॉप्स वगैरह दिखाई है, ये जीडीएस चौक में है, जो कि जीडीएस चौक जो है ना रेलवे स्टेशन झेलम के बिल्कुल साथ में है। जीडीएस चौक, इसमें ये ब्रेकआउट है, उसके बाद बासी है, बाटा वगैरह है, तो शर्ट एंड टाई और पंजाब बेकरी है यहाँ पे। बस अभी हम आगे के लिए निकलते हैं, शानदार चौक जो कि सबसे ज़्यादा फेमस चौक है झेलम का, तो उससे आगे बाजार शुरू होता है, तो हम आपको उधर लेके चलते हैं, फिर उधर के ब्रांड वगैरह भी दिखाते हैं। अभी जो है ना हम बाजार वाली साइड पे जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, आगे से शॉप्स वगैरह शुरू होने लगी है, तो आपको शॉप्स वगैरह भी दिखाते हैं।
टपी जो हमने आपको दिखाई है ना वो सिविल लाइन थी। सिविल लाइन पर जितने ब्रांड्स हैं वो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। अभी हम जो है अनारकली बाज़ार जा रहे हैं। अनारकली बाज़ार से आगे जो है दुल्हन बाज़ार है और उसके साथ में एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला बाज़ार है, उधर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ से आर्टिफिशियल चीज़ें, ये जो ज्वेलरीज वगैरह, नेकलेस और उसके बाद रिंग्स वगैरह मिलती हैं। इंशाल्लाह हम आपको उधर भी लेके चलते हैं, उस बाज़ार का भी आपको व्यू दिखाते हैं और देखते हैं कि कितना क्राउड है इस टाइम। तो फिर चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। अभी जो है ना मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ सैलंगीर में, हमारे जिम के बाहर ने भाई चिप्स वगैरह लगाते थे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट वगैरह भी होता था। तो आज मैं जिलम से गुजरा था तो मैंने भाई को देख लिया, तो मैं आज भाई के पास आया हूँ, इनसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो दिखाते हैं आपको इनका। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ इधर आएँ, भाई से रब्ता करें और भाई से चिप्स लें प्लीज़। माशाल्लाह बहुत मज़े के फ्राइज वगैरह बनाते हैं। मज़ेदार। तो गाइस उधर से वापसी पे ना मैंने मामा के लिए ऑरेंज जूस लिया, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस वापसी पे जो है ना मामा के लिए हमने ना जूस वगैरह लिया ऑरेंज का, तो साथ में सोडा लगा हुआ था, तो सोडा पीने में दिल कर गया, मामू भी बोलते हैं सोडा पी लिया। तो अभी हम सोडा पीने आए हैं इन भाई से। मज़ेदार। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिल सके बवक्त। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।